हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ अ गिवन एंगल हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर एंगल इन दिस केस दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट वॉज पार्ट थ्री. दिस इज पार्ट फोर. पार्ट थ्री में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. आप यहाँ काफी सारे एंगल से देख रहे होंगे, जब किसी भी कोई भी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहां पर एट एंगल्स फॉर्म होते हैं. उन एट एंगल्स में से कोई भी एक एंगल की वैल्यू आपके पास हो तो रिमेनिंग सेवन एंगल आप ऑलरेडी इजिली निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो उन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है आपस में, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज पार्ट थ्री. दिस इज द पार्ट फोर. वन बाय वन हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है एक्सरसाइज 25B का. देखिए पॉइंट वन, टू पैरेलल लाइंस को, हर एक क्वेश्चन में टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा है और एक एंगल गिवन है. दो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. कोई भी वन एंगल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. सारे क्वेश्चन में एक ही जैसा कंसेप्ट लगना है, बस वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनते हैं आपस में उनके रिलेशन को याद रखना है. देखिए यहां पर इसकी वैल्यू है 140, मैं इसकी वैल्यू 140 है बोलता है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए. अब इसकी वैल्यू 140 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, हमने आपको बताया था ये सीधी लाइन जा रही है, यहां पर एंगल बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है. ये 140 का है तो ये आपका 40 डिग्री का बचेगा. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री लिखेंगे, ए इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई. अब ए 40 हो गया तो बी भी अपना 40 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू बी 40 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये कैसे है अल्टरनेट और ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल. यहां पर लिखेंगे आप कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. मैं सारे एंगल्स लिखूंगा नहीं, बस बता दूंगा, आप लोग लिखेंगे उसको. लिखा हमने ए इक्वल टू 180, ये 180 स्ट्रेट एंगल था, माइनस 140 तो बचा ए. ए 40 है तो बी भी 40 होगा, क्योंकि ए और बी इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटती है अगर पैरेलल लाइंस को तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते, इक्वल होते. इसमें भी देखते हैं इसकी वैल्यू 60 है, जब इसकी वैल्यू 60 है तो ए की वैल्यू भी 60 हो जाएगी. बोले आपको कैसे पता, अभी हमने देखा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पिछले क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी. क्यों, हम लिखते हैं यहाँ पे सेंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा लिखेंगे आप. ए की वैल्यू 60 मिल गई, मुझे बी की वैल्यू भी चाहिए. देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, भाई ये पूरा ये 60 है, ये पूरा 180 है, तो आप 180 में से 60 को सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी. सेम टू सेम यहाँ देखते हैं, ये देखिए 130 है तो बी भी 130 हो जाएगा. अब ये कौन से एंगल है, बी इधर से और इधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी भी आपका कितना हो जाएगा, 130 डिग्री. लिखेंगे कैसा, सिंस वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब बी आपका हो गया 130. अब देखिए इसको देखेंगे ए, तो हमने देखा था कि ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइंस है और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों अलाइड एंगल समझे थे हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में, कि अलाइड एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. कब, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ए प्लस 130 कितना, 180 डिग्री होगा. इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं 130 को 180 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, बिकॉज ए प्लस 130 कितना होगा, 180 डिग्री. तो मुझे ए निकालना है 130 है, 180 में से 130 को सबट्रैक्ट करूंगा, बचेगा मेरे पास यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, बचेगा यहाँ पर 50 डिग्री. इसका रीजन लिखेंगे, क्या रीजन है इसका, अलाइड एंगल. यहाँ पर लिखेंगे सिंस अलाइड एंगल, सिंस अलाइड एंगल. समझ में आ गया होगा ये तीनों. चलिए ये पार्ट वन था, ये फोर था, ये सेवन था, आगे पीछे कर लीजिए कोई बात नहीं. इसको देखते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, आपको समझ में आया होगा ये 60 है तो ये भी 60 होगा. बोले सर कैसे, देखिए ए और ये दोनों कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं जब ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस होगी तब. पिछले वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री. यहाँ रीजन देंगे सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल. चलिए ठीक है, ए की वैल्यू मिली, बी भी चाहिए. अभी देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ये 60 था, ये बी था, ये पूरा 180 का होगा, एंगल बी होगा
बी प्लस 60 180, इट मीन बी की वैल्यू चाहिए तो 180 से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखूंगा मैं बी इक्वल टू 180 माइनस 60, ये मिलेगा आपको 120 डिग्री। इससे रीजन देखते हैं क्या, ये पूरा स्ट्रेट एंगल था यहाँ पर ऊपर, तो स्ट्रेट एंगल STRAGIST स्ट्रेट एंगल। AB की वैल्यू फाइंड आउट होती जा रही। अब इसको देखिए, ये 72 डिग्री है तो ये भी 72 होगा, बोले सर कैसे, अल्टरनेट है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था अल्टरनेट है और अंदर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब A इक्वल टू होगा 72, रीजन लेंगे सेम से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए इसको देखेंगे, ये A हो गया तो ये A है, ये हमने 72 फाइंड कर लिया तो B भी 72 होगा, वर्टिकली देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 72 है तो ये भी 72 होगा, तो B इक्वल टू 72 डिग्री लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए इन दो को और डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू 110 है तो ये भी 110 होगा, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए की वैल्यू कितनी होगी 110, रीजन लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसकी वैल्यू 110 आ गई। अब आप इसको देखिएगा, ए प्लस बी अलाइड एंगल बन रहे हैं कि नहीं, ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये ए और बी अलाइड एंगल होंगे और अलाइड एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री होता है, मतलब आपको बी की वैल्यू चाहिए तो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन बी इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये इतना कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा, सेम टू सेम इसको समझें, यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 है तो B की वैल्यू भी 100 हो जाएगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर B प्लस A देखिए स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो आपको ये चाहिए 100 में से मतलब 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में पूछ लीजिएगा या फिर इसी को आप एक दो बार देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 आपको पार्ट 3 में दिया था प्रीवियस वीडियो में, यहां देखते चलिए। इस क्वेश्चन में अभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, मैंने अभी कहा था कि कोई भी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के पेयर को कोई एक एंगल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है और उनमें से कोई भी एक एंगल आपको मिल जाए तो सारे एंगल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये दो पेयर थे, एक पेयर था पैरेलल लाइंस का, इसने काटा इसको, ठीक है एंगल वन की वैल्यू 120 डिग्री है, कहां पर ये है इसकी वैल्यू 120 डिग्री, तो भाई देखिए ध्यान से इसकी वैल्यू 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, बोले सर कैसे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है एंगल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहां कारण लिखेंगे कैसे पता किया आपने, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल था तो ये 120 है 60 होगा, क्या लिखना है आपको स्ट्रेट एंगल, रीजन देखेंगे सबका, एंगल थ्री देखिएगा, एंगल थ्री ये 120 था तो ये भी 120 हो जाएगा, तो ये भी आपका 120 हो गया, किसके थ्रू, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल फोर ये 2 था देखिए ये 60 था तो इसके साथ ये भी 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 4 भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसके रीजन भी दिए, दो रीजन बन रहे, इसके साथ अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये स्ट्रेट एंगल के साथ है, आप 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 बचेगा, अगर आप इसके साथ रिलेशन दिखा रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल के 60 हो जाएगा। एंगल 5 देखिएगा, ये आपका 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, बोले कैसे अलाइड एंगल का सम 180 डिग्री होना तो ये 120 बचेगा, चलिए दूसरे तरीके से करना है तो ये 120 था तो ये भी 120 हो जाएगा, कैसे वर्टिकली नहीं वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपको 120 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलिए 6 चाहिए तो ये 120 है ये 60 बचेगा, 6 चाहिए ये 60 बचेगा, कैसे स्ट्रेट एंगल, अब ये 60 है तो 8 भी 60 होगा और 7 120 होगा, 7 हो जाएगा 120, 8 हो जाएगा 60 डिग्री, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अब और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसको देखिएगा, एक्स बाय जेड पी क्यू आर की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स पी क्यू जेड वाई आर यानी कि सबकी वैल्यू पूछ रहा है, बोले ये है 100, ये 100 है तो क्यू भी 100 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ये 100 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यू भी 100 हो जाएगा, गया क्यू ये भी हो जाएगा 100 डिग्री, डायरेक्ट कर लीजिए इसको ये भी 100 हो जाएगा, अब ये 100 हो गया तो ये 80 बचेगा, x 80 बचेगा क्यों, क्योंकि ये इनका सम कितना होगा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, या फिर यहां से देख लीजिए ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा,
एक्स हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एक्स 80 हो गया तो ये पी भी 80 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पी की तरह ये भी 80 हो जाएगा। अब ये पी 80 हो गया तो जेड कितना 100 हो जाएगा। दो तरीके से बोल सकते हैं भाई, यह 80 है तो ये 100 बचेगा, या फिर देखो ये 100 है तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग हुआ तो ये भी 100 हो जाएगा, कौन, जेड, जेड भी 100 हो गया। अब जेड 100 हुआ तो आर भी 100 होगा, फिर बाय 80 होगा, आर भी 100 होगा और बाय होगा 80। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, पिछला वीडियो देखा होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, और अभी इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन देखा होगा तो वो भी इसमें आपको सपोर्ट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन 3 और 4 समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछता है, क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है वो, कि ये फिगर दिया हुआ है, ये एंगल 60 है, आर है, एक्स है, एस पी क्यू जेड, आर एक्स एस पी क्यू जेड, इन ये 6 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू उसने दी हुई है कितना 60 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल लाइन से जा रही थी, ये दोनों पैरेलल थी, और ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल पहुंचा दी उसने, देखिए सिंपल बना हुआ, ये पैरेलल का एक सिंबल बना है, ठीक है। अगर ये कहीं इसके पैरेलल नहीं होती तो फिर गड़बड़ था सब कुछ, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। इसके पैरेलल है इसका मतलब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये करेस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये लीजिए ये एक्स बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ये दोनों पैरेलल तो थी, इनको वो नहीं मारो, ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल को इसने इंटरसेक्ट कर दिया, ट्रांसवर्सल बन गई है, तो ये 60 था ये भी 60 हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग बोल के, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, लिख देंगे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर एंगल यहां बनते, ये दोनों की लाइन पैरेलल जा रही है, और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कर देती है और एक एंगल की वैल्यू आपके पास है तो बाकी के रिमेनिंग 7 एंगल्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी 60 मिली थी, ये भी आपका 60 हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, ये सब आपको फिल करना है, ये इसकी 60 वैल्यू मिल गई तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये 60 हुआ ये 120 बचेगा पी, चलो इसको पी को समझते हैं। अच्छा ये देख लीजिए ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा पी, बोले सर आपको कैसे पता, ये 60 और ये 60 अल्टरनेट है और बाहर वाले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पहले समझाया था हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो पी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए पी 60 हुआ तो क्यू कितना 120 होना, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180 चाहिए, तो ये हो जाएगा क्यू, पी क्यू कितना लगा क्यू, ये हो जाएगा आपका 180 - 60 120 डिग्री, ठीक। Z ये 120 है तो इन दोनों का सम, या फिर यहां से बोलो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, Z भी 60 हो जाएगा, Z 60 है तो ये वाला एंगल, इससे मतलब नहीं ये 60 था, ये 100 हो जाएगा, कौन, S, तो ये 120 हो जाएगा। R बचा, R की तरह ये 120 है, ये 120 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे एंगल से समझ में आ गए, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सारा क्वेश्चन, ठीक है, पिछले के जैसे ही। अब इसमें भी XY, X, Y, ZW की वैल्यू पूछ रहे हैं, X, Y, Z, and W की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं समझाता हूं बाकी जब आप लोग करेंगे। ये कितना है 150, तो X भी 150 हो जाएगा, बोले क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 70 है तो Y भी 70 हो जाएगा, बोले क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आई। अब डब्ल्यू जेड बचता है, क्या बचता है, डब्ल्यू जेड, तो एक चीज को देखिए, क्या देखिए, ये दोनों देखिए ये पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 70 हुआ तो क्या ये 70 नहीं होगा, बोले सर कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए करेस्पॉन्डिंग, तो जेड भी हो जाएगा 70, चलिए ठीक है आप कहते हैं तो हो जाएगा, नहीं कंसेप्ट को पढ़ना है, करेस्पॉन्डिंग है ना तो होगा, मेरे कहने से नहीं। चलिए अब इन दोनों को देखिए, ये क्या 150 में तो डब्ल्यू भी 150 होगा, बोले सर कैसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना भाई साहब, ये पैरेलल है तो ये इंटरसेक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल हो गई, ये 150 है तो ये भी 150 हो गया, किस रिलेशन के थ्रू, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच इज द रिलेशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो आई होप क्वेश्चन 5 और 6 अच्छे से समझ में आगे होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखिएगा ध्यान से, ये फिगर दिया हुआ 7th क्वेश्चन के साथ, ये फिगर दिया हुआ 8th क्वेश्चन के साथ, इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें वैल्यू ऑफ ए डी सी बी किधर गया, बी भूल गया मैं लिखना, बी भी कहीं होगा, ये इधर है बी, ये ओके। तो आपको ए बी सी डी ये 4 एंगल्स इसमें फाइंड आउट करनी है,
एक्स वाई जेड थ्री एंगल्स इसमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स एक लाइन को ही काटती है, तो सारा कुछ रिलेशन आप समझ गए। अगर वो दो लाइंस जो जिनको एक तीसरी लाइन काट रही है इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो पैरेलल नहीं है वो दोनों लाइन आपस में, तो सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं होंगी। जैसे यहां पर देखो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं, देखिए सिंबल बनाओ, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक बार ये लाइन काट रही है और फिर एक बार ये लाइन काट रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई ये एंगल 130 बन रहा है, ये अकेले इसको टारगेट करिए, इस जंक्शन को टारगेट करो, ये 130 है तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 130, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सीधा सीधा हो गया 130, लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इसको देखो तो डी नहीं निकल सकता, क्यों अभी डी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना पड़ेगा। इसको देखेंगे इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों को देखो, क्यों इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो देखिए इसको छोड़ दिया, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं और इस इन दोनों पैरेलल को इसने काटा, तो ये डी और ये कैसे बन रहे, अल्टरनेट बन रहे और इंटीरियर एंगल, तो डी भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और इस लाइन को देखो, तो ये दोनों पैरेलल जा रही थी, इसने काटा इस लाइन में, तो ये 150 था तो एंगल बी भी 150 हो जाएगा। इस जंक्शन को देखो अकेले को, ये बी और ये 150, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल के एंगल बी भी 150 हो जाएगा। अब एंगल बी 150 हो गया, इसको देखिए तो सी और ये दोनों, ये और सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे, ये दोनों पैरेलल है तो 150 और ये सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल के ये सी भी 150 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 150, ये 150, ये 150, ये 130 था तो ये 130, और इसको बोलेंगे ये 130, ठीक है, 130 150 150। चलिए इसको देखते हैं, ये 75 है, ये सीधा जा रहा है तो ये जेड भी 75 हो जाएगा। अपने सर कैसे, आपको कैसे पता, देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और इसने जाके काट दिया इसको, ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, ये लाइंस लाइन जाके काट दी, तो ये और ये कैसे बनेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 75 था, ये भी 75 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये तो पैरेलल थी ना ये दोनों, अब इसको छोड़ो, ये दोनों पैरेलल थी, अब इसको देखिए इसने भी तो इसको काटा, ये इसके पैरेलल है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्यों, कोई सबूत नहीं है हमारे पास, बस हमें इतना पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, कैसी है दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों ये दोनों पैरेलल होने के साथ साथ इसने कहा हाँ ये भी तो पैरेलल है, देखो ये सिंपल लगा, ये इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ मतलब ये इसके साथ, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को, इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन दोनों पैरेलल लाइंस को इसने काटा, तो ये 75 तो ये भी 75, बोलो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस को इसने काटा, देखिए तो ये 75 तो ये भी 75 और ये हो जाएगा आपका 105, क्यों, क्योंकि ये 75 105 सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो आप या तो यहां से निकालो या फिर ये 75 निकालो, तो दिस प्लस दिस अलाइड बोल के 105 होना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपस में और ये दोनों पैरेलल है आपस में। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जूम मीटिंग पे आके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट 4, चार पार्ट इसके हो चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल के, चारों पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वन बाय वन उसको देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।